ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, गिग्स रैंक नहीं करती, अपवर्क के ऊपर प्रपोजल सेंड करो तो कोई हमें मुंह नहीं लगाता, कोई हमें जवाब नहीं देता, तो सर मेरी तरफ से आपको जवाब है, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप लोग सिर्फ इन्हीं मार्केट प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करके बैठे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इन 2022 एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे और आप इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकेंगे। वीडियो बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से बैठ के देखनी। अगर आपकी जहाँ पे आप बैठे आप चेक कर लें वहाँ पर कोई कीड़े चुमुने कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो भाई ज़रा साफ करके सुकून से बैठ जाएं ताकि आपको वो चीज़ें बार बार तंग ना करें कि आप वीडियो को स्किप करें या टैप टैप करके देखें, समझ रहे हो। तो लिहाजा सुकून से बैठ के इस वीडियो को इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 2021 का लास्ट मंथ चल रहा है, एंड चल रहा है, तो अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरोगे तो बेटा कब सुधरोगे। तो इसलिए ये जो टिप्स, ये जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ और विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि ये किस तरह टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो नंबर वन जो टिप है जो मैं आप लोगों को दूंगा वो है जी, बिल्ड योर ब्रांड एज अ फ्रीलांसर। अब ये जो चीज है इसको हम मोस्टली ऑलमोस्ट 90% तो कहीं नहीं गए भाई, हमारा मतलब बहुत पक्का तुक्का लगता है कि 90% तो कहीं नहीं गए फ्रीलांसर्स आज के दौर में भी ये काम नहीं करते कि वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि यार ये होता क्या, मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, आप पर एक कार पे आके काम करना, कंप्यूटर टैटा टैटा करने तो पैसे आ जाने बस, यार ब्रांडिंग है साढ़े नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग आज के दौर में कंपटीशन को बीट करना चाहते हो या उससे हटके कुछ करना चाहते हो तो सर आपको एज अ ब्रांड काम करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग फ्रीलांसिंग में आते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता चला यार फाइबर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनी, इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लो जी ऐसी भी चले गए अकाउंट बना लिया। अपवर्क के ऊपर जाते यार लोग इतने पैसे कमा रहे, ऐसी भी जाके अकाउंट बना लिया। होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मशहूर है, अब मशहूरी की वजह से हर बंदा ही वहाँ पे जाता है अकाउंट क्रिएट करता है, और होता क्या है उसके बदले में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब आप लोग कंपटीशन में जाके कूद रहे हो, भले आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो सर, बाकी भी छोले बेच के थोड़ी आए। क्या बढ़िया था गुरु उन्होंने भी कोई ना कोई मेहनत की होगी, तो आप डायरेक्टली जो कहते हैं ना स्किल्स के मास्टर्स, उनके साथ आप जाके कंपटीशन करते हो, फिर वो एक दो भी नहीं होते, 50, 60, 100, 70,000 होते हैं। इतने ज़्यादा कंपटीशन में जब आप जाके कूदते हो तो डेफिनेटली फिर आपको ऑर्डर्स लेने में और अपने आप को एज अ फ्रीलांसर कामयाब बनाने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब ब्रांड बनाने से मेरा क्या मकसद है और आप लोग किस तरह अपना ब्रांड बना सकते हो एज अ फ्रीलांसर। देखिए सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसका भी तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ और विद प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा कितना ज्यादा होता है। नंबर वन प्लेटफॉर्म जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा जी लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पर जाएं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, वहां पर अपने बारे में ए टू जी एक एक चीज आपने बतानी कि आप क्या करते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपके सर्टिफिकेशन, जो जो चीजें भी आपके पास हैं सर, जो आपके सीवी पे भी लिखी हुई है भले है या नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर है तो लिख देना। तो आप उसे जाएं, उस प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, वहां पर लिंक्डइन से अपना काम स्टार्ट करें। सर लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको एक दो भी अच्छी कंपनीज मिल जाती है ना तो इंशाल्लाह आपका काम सर बन गया। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पावरफुल सोशल मीडिया है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर है आप जैसे मेरे जैसे, तो आप लोगों को लाजमी चाहिए कि अगर आप लोग अभी तक लिंक्डइन पर नहीं है तो आप लिंक्डइन पर जाएं, वहां पर काम करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपकी प्रोफाइल्स भी रैंक करें। अगर आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का एक कोर्स चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा कि आप लोग किस तरह लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, प्लस अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल्स भी डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर लिंक्डइन पर रैंक करें और आपको भी प्रपोजल जो है वो लिंक्डइन से ऑर्गेनिकली लोग आपको अप्रोच करें और आपको ऑर्डर्स मिले। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड प्लेटफॉर्म है जी भाईजान आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आपने क्या करना है, आपका जो भी काम है, सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अपने जो भी आपका काम होता है आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करें, प्रॉपर हैशटैग यूज करें। इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च का कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वो जाए उसको करें, उससे सीखे कि यार हम लोग किस तरह अपने लिए लो कंपेरेटिव हैशटैग्स फाइंड कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिल सके इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, अपना काम वहां पर पेश करें, लोगों को दिखाएं, वो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता जाता है, प्लस क्योंकि और भी लोग आते हैं जब वो आपके अकाउंट्स को रीच करते हैं तो आपको वहाँ से ऑर्गेनिकली सेल्स भी मिलती हैं। अगर आप किसी बायर के आगे या क्लाइंट के आगे प्रपोजल सेंड करते हैं और आपके सोशल मीडिया की प्रेजेंस तगड़ी है और आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो सर आपका जो केस है वो बहुत तगड़ा हो जाता है और आपको बड़े अच्छे क्लाइंट्स वहाँ से मिल जाते हैं। और सबसे मज़े की बात, जो लोग इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सर आप उनसे नहीं पूछेंगे सर आप कितने पैसे देंगे, वो बंदा आपसे पूछता है कि यार आप कितने पैसे लोगे,
इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके दोबारा सुनो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली हम लोग फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, बाय के तरले ले रहे थे यार कितने पैसे सर, वो कहेगा यार इतने कर लो इतने, अच्छे चले ठीक है सर नो इशू। लेकिन ये फायदा होता है अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आप एज अ ब्रांड काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स आप प्राइस आपको आपकी मुंह मांगी मिलती है। नंबर 3 प्लेटफॉर्म है भाईजान ऑलवेज रिकमेंडेड, वो है जी YouTube। YouTube के ऊपर अपने स्किल्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अपलोड करें, सेम गोज फॉर Facebook, वहां पर आप इमेजेस अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें, अपने शॉर्ट वीडियोस बनाएं YouTube के ऊपर भी और Facebook के ऊपर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप यहां पर काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है अभी बताता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आज अनाउंस करता हूं, अगर किसी ने अपनी YouTube वीडियो की SEO करवानी है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। हाँ जी बताएं कौन कौन कॉन्टेक्ट करना चाहिए। आपकी फाइबर की गिग रैंक नहीं हो रही सर, हम सर्विसेज देते हैं, हम आपकी गिग की SEO करेंगे, हम आपकी गिग क्रिएट करेंगे और आपकी गिग को SEO ऑप्टिमाइज बनाएंगे। सर कौन है जो आपको लगता है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे? यार अगर आपने फेसबुक एड्स रन करवाने हैं तो सर हमारा चैनल है, हम ऑफर स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई कितने क्लाइंट्स मुझे मिल सकते हैं? ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पर डे हजारों के नीचे कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जस्ट इमेजिन करें। तो मुझे जरूरत है फाइबर या अपवर्क पे जाने की। तो आप इस तरह सोचें यार, ये ब्रांड बिल्डिंग बेशक ये थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आपको इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, लाखों सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक भी चले जाते हैं और आपका फोकस जो है वो फिनांसिंग है ना कि सोशल मीडिया पर काम करना, तो यार ये भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और आप सबसे बड़ी बात, अब मैं अगर ऑफर निकालता हूँ तो सर मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कितने पैसे देंगे, बल्कि मैं बताऊंगा यार मैं इस सर्विस के $50 चार्ज कर रहा हूँ, आप खुद देंगे पैसे, मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी अगर आप मैं एज अ ब्रांड काम करता हूँ। सो नंबर 1 टिप आप सभी लोगों के लिए ये है कि भाईजान बिल्ड योर ब्रांड एज अ फ्रीलांसर। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कंजूसो लाइक का बटन दबा दो। अब तो YouTube को गैरत आ गई है कि उन्होंने डिसलाइक का बटन आप लोगों के सामने ऐड कर दिया कि यार डिसलाइक्स कितने आ रहे हैं। अब तो शर्म कर दो कि YouTube खुद कह रहा है कि भाई उस लाइक के बटन को दबाओ, वो नंबर बढ़ते हैं, डिसलाइक वाले अब वो भी नहीं बढ़ते, तो थोड़ा ख्याल मतलब समझ रहे ना, थोड़ा दबा दें। नंबर 2 यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा वो ये है कि जब भी आप एज अ न्यू फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो मेरे भाई फाइवर, अपवर्क और guru.com या इस तरह के जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको छोड़ के जो थोड़े अनपॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, अनपॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर जाएं, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करें। फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाई कंपटीशन कम है, और क्या चाहिए वहां पे? फाइवर में जाके क्या करना तुमने? जो वहां करना है वही तुम जाके अनपॉपुलर जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती है वहां पे जो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को। वहां पर जाएं, वहां पर काम करें। बेशक बायर्स अगर आप कंपेयर करते हैं फाइबर अपवर्क से थोड़े कम होते हैं, बट वहां पे बाकी जो सेलर्स होते हैं वो भी कम होते हैं और आपके ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट ले रहे हैं इन 2022 के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो भाई आप अनपॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट लें और जब आपका एक्सपीरियंस बन जाए, और अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जब वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं उन्हीं क्लाइंट्स को आप बाद में अपनी मार्केट प्लेसेस के ऊपर ले जाएं कि यार हमें यहाँ पे भी ऑर्डर दें, ताकि आप वहाँ पे भी ग्रो करते रहे उसके भी। नंबर 3 और सबसे ज़बरदस्त एडवाइस जो मैं आप लोगों को दूंगा वो है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोग अपने जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर सीखे, अब इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मुराद है मेरी फेसबुक एड्स, इससे मुराद है मेरी इंस्टाग्राम एड्स, इससे मुराद है मेरी यूट्यूब एड्स। आप लोग इसको लाजमी सीखो, अपने जो कि सीख लो कि आप लोग अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सके। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा है मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जाते हैं, इसको देखते हैं, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वेज मिलेंगे जहां से आप ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर्स ले सकते हैं। स्टार्ट मतलब उस प्लेलिस्ट का होता है कि जब जहां पे आपको एक रुपया भी नहीं चाहिए, और आपको मैंने बताया कि आप लोग किस तरह अपनी गिग्स को प्रमोट करेंगे, किस तरह अपनी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे और ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लेकर आएंगे। और एक भी वीडियो ऐसी जिसमें मैंने ये कहा कि फाइबर से ऑर्डर कैसे मिलेगा, अपवर्क से ऑर्डर कैसे मिलेगा, मैंने डिफरेंट वेज बताए हैं जिनसे आप ऑर्डर्स ले सकते हो बगैर इन प्लेटफॉर्म्स के। और उसके बाद इसी प्लेलिस्ट का एक सेकंड पार्ट इसी प्लेलिस्ट में स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग फेसबुक एड्स आपको सिखा रहे हैं कि आप लोग फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरह ऑर्डर्स ले सकते हैं। बाय द वे फेसबुक एड्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से। आप वहां जाएं, उसके अंदर आप फेसबुक एड्स सीखेंगे, यूट्यूब एड्स सीखेंगे, इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च सीखेंगे, किस तरह आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप उस डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर सीख सकते हैं। सो मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स और फेसबुक एड्स का जो कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, इन दोनों कोर्सेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप लोगों को फाइबर अपक इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सस्ते में आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब ये जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल भी इनकरेज ये नहीं किया कि फाइबर पर की कैसे रैंक होगी, अपक पे प्रपोजल का जवाब कैसे आएगा या दूसरे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर आप कामयाब कैसे होंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर्स आएंगे और आप भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनेंगे। जब आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनेंगे इंशाल्लाह आप लोग और आगे ग्रो करोगे, अपने साथ और भी लोग आपके टीम बनेगी, हायर होंगे और बहुत सारे लोगों का रोजगार बनेगा आप लोगों की वजह से। सो प्लीज फाइवर अपर इन सब चीज़ों से हटके भी सोचे, मैं इनको भी आपको सिखाता हूँ डेफिनेटली मेरे चैनल के ऊपर, आपको फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता है, बट मैं साथ साथ आपको वो भी बेस बताता हूँ कि आप लोग अगर इन मार्केट प्लेसेस पे कामयाब नहीं हो पा रहे, आप बहुत कंपटीशन है, तो आप लोग किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक और एक शेयर से मेरे ख्याल में आपकी उंगली नहीं टूटेगी, करके देख लो यार, अगर टूटी तो पट्टी के पैसे मेरे से ले लो, दबा के देख लो। और सब्सक्राइब नहीं किया क्या करूं यार, मैं तुम्हारा यार बेटा सर भी नहीं फाड़ सकता, कर देना यार सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। जिनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो उन्हें भी बताओ अपने फ्रीलांसर दोस्तों को कि भाई इस तरह काम करें, इंशाल्लाह आप भी 2022 में एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।